देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ग्रीन टीवी के नवरात्र विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे कार्यक्रम में माँ के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में, जिसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं पंडित अमित पांडे जी, जो कि ज्योतिषी हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी धन्यवाद आपका। जी तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं माँ के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। तो सबसे पहला सवाल पंडित जी से यही करते हैं कि माँ के स्वरूप को ब्रह्मचारिणी कहा क्यों जाता है? पंडित जी, माँ का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी, माँ के स्वरूप को ब्रह्मचारिणी नाम क्यों दिया गया है? देखिए स्मिता जी, माता ब्रह्मचारिणी नवरात्र के दूसरे दिन की देवी है जी। और ब्रह्मचारिणी इनका नाम इसलिए पड़ा कि ब्रह्मचार्यत यस्य स ब्रह्मचारिणी, जो ब्रह्म का आचरण करे, जो ब्रह्मचर्य का आचरण करे वह ब्रह्मचारिणी है। इनके बारे में शास्त्र कहता है, ददानाम करपद अभ्यामक्ष माला कमंडलु देवी प्रसिदतु मयि ब्रह्मचारिणी नुत्तमा। माँ दुर्गा की नौ शक्तियों में दूसरा स्वरूप जो माता ब्रह्मचारिणी का है, यह ब्रह्मा शब्द की अर्थ है, मतलब तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी जाता है वेदस्तत्त्वम तपो ब्रह्मा, वेद तत्व और तप, ये ब्रह्मा शब्द का अर्थ है व्यापक स्वरूप में। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है और माँ ने स्वरूप कब धारण किया, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी स्मिता जी, देखिए माता के स्वरूप के विषय में मैं बताऊं कि इनके दाहिने हाथ में जप की माला है, बाएं हाथ में सदैव कमंडलू रहता है। ये माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कब हुआ, इसके विषय में कथा आती है। कथा इस प्रकार है कि जब माता अपने पूर्व जन्म में ये हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी कहा गया, अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अवहित किया गया। 1000 वर्ष इन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे, 100 वर्षों तक केवल साग पर निर्वाह किया, कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के बाद 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर अहर्निश भगवान शिव की आराधना करती रही थी माता ब्रह्मचारिणी। इसके बाद इन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को भी जब खाना इन्होंने छोड़ दिया तो उसके कारण इनका नाम पड़ा अपर्णा। अपर्णा भी माता का ही एक नाम है। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण इन ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम छीड़ हो उठा, वह अत्यंत कृशकाय हो गई। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना, जो कि हिमालय की पत्नी थी, अत्यंत दुखित हो उठी। उन्होंने उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज़ दी, उमा, अरे नहीं, ओह नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म तक एक नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्ध गण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी के इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। और अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी, ऐसी तपस्या से तुम ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है, तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी, भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। इसलिए स्मिता जी, इस पूरी घटनाक्रम के बाद माता पार्वती ही ब्रह्मचारिणी स्वरूप में पूजा प्राप्त करने लगी। उनका नाम देवी ब्रह्मचारिणी के रूप से संसार में प्रसिद्ध हो गया और नवरात्र की दूसरे दिन की देवी कही जाने लगी। माँ को नवरात्र के दूसरे दिन पूजा जाता है, जो भक्त रखते हैं नवरात्र का व्रत, कैसे माँ के इस स्वरूप की पूजा करें? क्या पूजा विधि होगी उस स्वरूप के लिए? क्या विशेष अर्पण के लिए कोई सामग्री होगी? वो सब भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ब्रह्मचारिणी भी माता की ही एक स्वरूप हैं। जिस तरह से आप माता के अन्य 8 स्वरूपों का पूजन करते हैं माता दुर्गा की, उसी तरह से माता ब्रह्मचारिणी का भी पूजन आपको करना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी के पूजन में सबसे बड़ा यदि कोई ध्यान देने वाली चीज़ है तो वह है मन से, वाणी से, कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन।
मनसा वाचा कर्मणा अपने मन में ब्रह्मचर्य का आचरण की कल्पना करना, यही ब्रह्मचारिणी की सबसे बड़ी पूजा है। बाकी जो आप बाह्य जगत से पूजन करते हो तो ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आप अपने विचारों को शुद्ध करते हुए और अपने मन को तन को समाहित करते हुए माता के श्री चरणों में अपना ध्यान लगाएं, खास करके विद्यार्थी वर्ग। क्योंकि देखिए हमारी जो नौ देवियां हैं कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन दर्शन की एक स्वरूप है। जैसे हमने कल चर्चा की थी प्रथमम शैलपुत्री, शैलपुत्री शैल मतलब पर्वत, पुत्री मतलब कन्या, मतलब जब जन्म होता है तो पुत्री के रूप में कन्या के रूप में, मतलब शैशवावस्था की बात आती है। शैशवा के बाद क्या बात आती है, ब्रह्मचारिणी, मतलब जब किशोरावस्था, तो वहाँ क्या करना चाहिए, वहाँ अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अध्ययन अध्यापन में रहना चाहिए, गुरुकुल जाना चाहिए, पढ़ने में मन लगाना चाहिए, न कि अन्यान्य और दूसरे क्रियाकलापों में जिससे कि मानव के शरीर का मन का नुकसान, वो कार्य नहीं करना। ये एक तरह से जीवन का दर्शन है। जो जीवन की दूसरी अवस्था है वो ब्रह्मचर्य की है, तो व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, खास करके माता के भक्तों को। निश्चित रूप से माता ब्रह्मचारिणी ऐसे अपने भक्तों से सदैव प्रसन्न रहती हैं जो ब्रह्मचर्य पूर्वक रह करके माता का उपासना और पूजा नवरात्र के दूसरे दिन करते हैं। तो फिलहाल यहाँ कार्यक्रम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे आपको कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से किस विशेष फल की प्राप्ति होती है। साथ ही आपको ये बताएंगे कि राशि अनुसार आप माँ ब्रह्मचारिणी को क्या अर्पित कर सकते हैं। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका ग्रीन टीवी के नवरात्र विशेष में, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं माँ के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि माँ का यह स्वरूप कैसा है, कैसे आपको इस स्वरूप की पूजा आराधना करनी है, और चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि स्वरूप की पूजा के लिए क्या विशेष समय हो सकता है दूसरे दिन का। पंडित जी, दूसरा जो नवरात्र है माँ ब्रह्मचारिणी के लिए आपने बताया, किस समय में, दिन के किस समय में माँ के स्वरूप की पूजा करना विशेष फलदायी होता है? देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है ब्रह्मचारिणी, तो ब्रह्मचारिणी का जो सर्वोत्तम समय होता है वह होता है ब्रह्म मुहूर्त, मतलब सूर्योदय से डेढ़ घटी पूर्व की जो वेला होती है वो सबसे उत्तम कही जाती है माता ब्रह्मचारिणी की पूजा और उपासना के लिए। लेकिन आप जो है सूर्योदय के डेढ़ घंटे पहले से लेकर के सूर्योदय के डेढ़ घंटे के बाद तक भी माता ब्रह्मचारिणी की पूजा कर सकते हैं, और यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इन समय पूजा करने से माता ब्रह्मचारिणी की कृपा जरूर पड़ेगी। जी, ये तो आपने बताया कि माँ की पूजा किस समय में करनी चाहिए। अब एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि माँ के स्वरूप की पूजा से किस विशेष फल की प्राप्ति होती है, भक्तों को कौन सा आशीर्वाद माँ इस पूजा के बाद देती है? देखिए स्मिता जी, माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों को सिद्धि और अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में सबसे बड़ी बात है तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की प्राप्ति होती है। इन चीज़ों में वृद्धि होती है, मतलब जीवन के कठिन संघर्ष में भी उसका मन कर्तव्य पथ से कभी विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा, इस जो नवरात्र का दूसरा दिन होता है, उन्हीं के स्वरूप की विशेष रूप से आराधना पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्तों के मन में, जो उनके शरीर में स्वाधिष्ठान चक्र स्थित होता है, इस चक्र में अवस्थित जो भी योगी है उनकी कृपा का पात्र बन जाता है, और जिन भक्तों का स्वाधिष्ठान कमजोर है ऐसे भक्तों का स्वाधिष्ठान चक्र का जागरण भी माता ब्रह्मचारिणी की ही कृपा से होता है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें, निश्चित रूप से माता ब्रह्मचारिणी की कृपा आप सभी भक्तों पर अनन्य भाव से पड़ेगी। स्वाधिष्ठान चक्र अगर किसी का कमजोर हो तो क्या, कैसे पता चलता है कि व्यक्ति का स्वाधिष्ठान चक्र कमजोर है? कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति में यदि बाधा आ रही है तो इसका मतलब है कि स्वाधिष्ठान कमजोर है, क्योंकि संतान सुख जो मिलता है वो स्वाधिष्ठान चक्र के मजबूत होने के कारण ही मिलता है। तो जिन लोगों के पास संतान नहीं है, जो निसंतान है, वो माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा। कोई विशेष विधि होगी उनके लिए? विशेष विधि के रूप में सिर्फ इतना है कि आपको सात्विक ढंग से माता की पूजा करनी है। इन्हें सारे सात्विक नारियल, फूल, माला, मिठाई, जो भी चीज़ें सात्विक ढंग से आप चढ़ा सकते हैं, सबसे बड़ी बात है श्रद्धा भाव से आपके उपास उपलब्ध सामग्री से आप उन्हें अर्पित करें, और उसके साथ साथ माता के मंत्र ओम ब्रह्मचारिणे नमः यह भी कह सकते हैं, या इसे माया बीज ह्रीम जोड़ते हुए ओम ह्रीम ब्रह्मचारिणी नमः
यह मंत्र कहते हुए आप माता की पूजा षोडशोपचार सामग्री से करें, निश्चित रूप से माता ब्रह्मचारिणी आपसे प्रसन्न होंगी। इनके अलावा कोई विशेष मंत्र भी होगा माँ के आह्वान के लिए, जिसका उच्चारण का माँ को आह्वान किया जा सकता है? देखिए, दुर्गा सप्तशती में जब कवच आता है, उसमें सबसे पहले नौ देवियों के एक साथ आह्वान की बात कही गई है। देवी कवच में प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, नवम सिद्धात्री तक यह पूरा श्लोक कहा गया है। लेकिन यदि आप विशेष रूप से माता ब्रह्मचारिणी की आप आह्वान करना चाहते हैं, तो आह्वान का मंत्र वही होगा, ओम ब्रह्मचारिणे नमः, यही मंत्र होगा। इसके साथ साथ जो प्रतिष्ठा का मंत्र होता है, मनोज्योति जुक्ता माजस्य, यही मंत्र से आप माता की प्रतिष्ठा कर सकते हैं, उनका आवाहन कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हाँ, जब आप पूजन करने लगे तो दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करते हुए यासी स्वयं सुकृत नाम भवने सुलसी पापात्मनाम कृदया हृदय बुद्धि, इस तरह के मंत्रों को जो देवताओं ने देवी की स्तुति की है, ये जो मंत्र है चौथे अध्याय के, इस मंत्र की बोल करके भावपूर्वक गा करके माता को आप प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय के मंत्र, बिल्कुल। माँ को क्या प्रिय है, इस स्वरूप के लिए क्या माँ क्या पसंद करती हैं, जो अर्पण किया जाए तो अच्छा फल प्राप्त होता है? ये अपने उन भक्तों को ज़्यादा पसंद करती हैं जिन भक्तों का जीवन सदाचार से युक्त है, नीतियों से युक्त है, तपश्चर्या का जीवन है जिसका, जो लोभ लालच मोह ईर्ष्या इन तमाम विकारों से खुद को दूर रखते हैं, ऐसे भक्तों से माता अनायास ही प्रसन्न होती हैं और अनायास ही उन्हें सब कुछ देने के लिए तत्पर रहती हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप सदाचार का पालन करें और नीति का पालन करें, वैराग्य के पालन करें, अपने आप को इस संसारिक मोह माया में रहते हुए भी खुद को विरक्त करने का प्रयास करें, ऐसे भक्तों के ऊपर माता ब्रह्मचारिणी सदैव प्रसन्न रहती हैं। जी, तो ये बताया आपको पंडित जी ने कि कैसे आपको माँ के दूसरे स्वरूप की पूजा आराधना करनी है। फिलहाल कार्यक्रम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे आपको कि राशि अनुसार आपको माँ के दूसरे स्वरूप को क्या अर्पण करना चाहिए। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका नवरात्र विशेष में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं माँ के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। और चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि राशि अनुसार आप माँ को क्या अर्पित कर सकते हैं। साथ ही पंडित जी आपको ये भी बताएंगे कि आप राशि अनुसार किस मंत्र का जाप कर सकते हैं, कैसे माँ का किस मंत्र के उच्चारण के साथ आह्वान कर सकते हैं। पंडित जी, क्या विशेष मंत्र होंगे राशि अनुसार और क्या अर्पण होगा? नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा करने से पहले हर राशि वालों को क्या चढ़ाना चाहिए ये बता देता हूँ। सबसे पहली राशि मेष राशि। मेष राशि अर्थात मंगल की राशि, और मंगल की दो राशियाँ होती हैं, एक मेष राशि दूसरी वृश्चिक राशि। तो यह जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, जो मैं सामग्री बता रहा हूँ, यह उपाय सिर्फ मेष राशि के लिए नहीं अपितु मेष तथा वृश्चिक दोनों राशि वाले नोट कर लें और दोनों राशि के लोग ये चीज़ समर्पित करें। सबसे पहली बात, मेष राशि का रंग जो होता है वो लाल होता है, वृश्चिक राशि का भी रंग कहीं ना कहीं लाल से प्रभावित होता है, तो आपको लाल रंग की वस्तु माता को अवश्य समर्पित करनी चाहिए। लाल रंग में आप उन्हें सेब समर्पित कर सकते हैं, लाल रंग की चुनरी समर्पित कर सकते हैं। अब बात करते हैं किस मंत्रों का जप करना है माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए। मेष राशि और वृश्चिक राशि के लोग देवी कवच का यदि पाठ करते हैं माता के लिए, देवी कवच का पाठ पूरे दिन में कम से कम 11-21 संख्या में संकल्प पूर्वक करके यदि पाठ करते हैं, तो निश्चित रूप से माता ब्रह्मचारिणी की कृपा आपके ऊपर पड़ेगी, निश्चित बात है, इसमें कोई संदेह मत मानिए। अब दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ अर्थात शुक्र की राशि, तो शुक्र की भी दो राशियां हैं, वृषभ तथा तुला। तो ये जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ, यह वृषभ और तुला दोनों राशि के लोगों को जप करना है, और जो सामग्री बताऊँगा वो सामग्री समर्पित करनी है। क्या सामग्री समर्पित करनी है? आपको माता को भोग के निमित्त, नैवेद्य के निमित्त दही तथा चीनी, ये दो चीज़ें समर्पित करनी है। एक पात्र में आप दही ले लें, दूसरे पात्र में शर्करा चीनी ले लें, और इसे माता के श्री चरणों में समर्पित करें नैवेद्य के रूप में, भोग के रूप में। मंत्र आपको क्या जप करना है? मंत्र बहुत आसान है, क्योंकि शुक्र की राशि है तो शुक्र को प्रसन्न करने के लिए माता लक्ष्मी की उपासना होती है, और ब्रह्मचारिणी धन की भी देवी हैं, धन भी देती हैं अपने भक्तों को, इसलिए आप जो है श्री सूक्त का पाठ दूसरे दिन अवश्य करें, निश्चित रूप से माता ब्रह्मचारिणी की कृपा भी आपके ऊपर पड़ेगी। अब बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि अर्थात बुध की राशि। बुध
दो राशियों का स्वामी है, मिथुन और कन्या। इसलिए यह मंत्र दोनों राशि के लोगों को जप करना है, मिथुन को भी और कन्या राशि के लोगों को भी। मंत्र क्या है? मंत्र आपको जप करना है दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करना है। यह एक देवी की स्तुति के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब माता दुर्गा ने राक्षसों का वध किया था तो देवताओं ने उनको प्रसन्न करने के लिए इस अध्याय को कहा था, मतलब उन श्लोकों को कहा था। उन्हीं श्लोकों के संग्रह है दुर्गा सप्तशती का यह चौथा अध्याय। बड़ा शक्तिदायी है, बड़ा धनदायी है, मतलब सब मनोकामना को पूर्ण कर देता है दुर्गा सप्तशती का यह चौथा अध्याय। चौथे अध्याय का पाठ माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए करिए, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। अब बात करते हैं चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि अर्थात चंद्रमा की राशि, और चंद्रमा जो है माता को अति प्रिय है, तो आपको चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए माता की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए, खास करके ब्रह्मचारिणी की। क्या पूजा करना है आपको? आपको सिर्फ ओम ब्रह्मचारिणे नमः इसी मंत्र का रुद्राक्ष की माला पे 108 बार जप कर लेना है प्रातःकाल। निश्चित रूप से इस जप मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। आपको नैवेद्य क्या समर्पित करना है? नैवेद्य में आपको दूध से बनी हुई सामग्री माता को चढ़ानी है। दूध से आप चाहे खीर बना लें, चाहे आप दूध से कोई और भी पकवान बना करके माता के श्री चरणों में समर्पित कर सकते हैं। अब बात करते हैं पाँचवीं राशि। पाँचवीं राशि अर्थात सिंह राशि। सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है, तो जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर है उन्हें दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। आपको क्या करना है? आप दुर्गा सप्तशती के सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ कर लेना है, वो भी सिर्फ 9 बार। 9 बार आप सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करें, निश्चित रूप से माता ब्रह्मचारिणी आपसे प्रसन्न होंगी। अब बात करते हैं क्या समर्पित करनी चाहिए सिंह राशि के लोगों को। सिंह राशि के लोग, क्योंकि सिंह राशि का भी रंग लाल होता है, सूर्य का रंग लाल है, इसलिए लाल रंग की वस्तुओं का ही प्रयोग करना है माता ब्रह्मचारिणी के पूजन में। लाल रंग की वस्तु में आप लाल रंग के फल जैसे सेब हो गए, लाल रंग की मिठाइयाँ पेड़े, ये चीज़ें आप माता को समर्पित कर सकते हैं। गुड़ भी भोग के रूप में आप समर्पित कर सकते हैं। अब बात करते हैं मकर और कुंभ की, क्योंकि यह दो राशियाँ शनि की राशियाँ हैं। मकर व कुंभ राशि के लोग क्या समर्पित करें माता को? मकर और कुंभ शनि की राशि है, तो निश्चित रूप से माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए आप इस दिन उन्हें इत्र से युक्त जल से स्नान करना चाहिए, मतलब उनके श्री चरणों को प्रक्षालन जो है इत्र के जल से करिए, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। नैवेद्य का चढ़ाना है, नैवेद्य के रूप में आप उनको पेड़े का भोग लगा सकते हैं। पेड़े, खोए का पेड़ा उनको नैवेद्य के रूप में समर्पित करें, निश्चित रूप से आपके ऊपर माता ब्रह्मचारिणी की कृपा होगी। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि, और मीन राशि के साथ साथ इसकी एक सह राशि है धनु राशि। धनु और मीन ये दोनों राशियाँ देवगुरु बृहस्पति की राशियाँ हैं, तो देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए माता ब्रह्मचारिणी की पूजा परम आवश्यक है। क्यों? क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी भी ज्ञान देती हैं, वैराग्य देती हैं, तप देती हैं, और ये सभी गुण भी देवगुरु बृहस्पति के ही माने जाते हैं, समझे जाते हैं, क्योंकि वो भी तपस्वी हैं, मनस्वी हैं, ज्ञानी हैं, वैरागी हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों का आपस में बड़ा गहरा संबंध है, बड़ा घनिष्ठता का संबंध है। इसलिए यदि आपकी राशि धनु है या मीन है तो आप तो निश्चित रूप से दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करिए। क्या करना है आपको? ओम ह्रीम ब्रह्मचारिणी नमः इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला पे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इसका जप करना है। यदि प्रातःकाल नहीं कर सकते हैं तो आप संध्या काल मतलब सूर्यास्त के समय इस मंत्र का जप आप कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। क्या अर्पित करें ये बताते हैं धनु व मीन राशि के लोग। धनु व मीन राशि के लोग माता ब्रह्मचारिणी को खीर समर्पित करें। खीर वैसे सामान्य रूप से बन जाती है, लेकिन एक विशेष सामग्री उसमें आपको डालनी है। क्या डालनी है? उसमें आपको केसर डालना है। केसर युक्त खीर का भोग माता ब्रह्मचारिणी को नवरात्र के दूसरे दिन आपको लगाना है। निश्चित रूप से ये उपाय करने से, माता के इस विधि विधान से पूजन करने से, जो मैंने वस्तुएं बताई समर्पित करने से, मंत्रों का जप करने से, माता ब्रह्मचारिणी की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर अवश्य पड़ेगी और आपकी समस्त प्रकार की मनोकामना माता ब्रह्मचारिणी इस नवरात्र के दूसरे दिन पूर्ण करेंगी। तो 12 राशियों के मुताबिक क्या मंत्र हैं वो पंडित जी ने आपको बता दिए हैं, साथ ही क्या आपको अर्पण करना है माँ के दूसरे स्वरूप के लिए वो भी पंडित जी ने आपको बता दिया है। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे स्टूडियो में आकर दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। धन्यवाद जी।
तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और चर्चा करेंगे माँ के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा के बारे में। बताएंगे आपको माँ का स्वरूप कैसा है, क्या आपको माँ को अर्पण करना है, क्या विशेष मंत्र होने चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।